चिंतार वन विभाग निद हजिगला खरादिन आरंभ राज्यर विभिन्न स्थान में जंगल जलुच्छ प्रतिदिन केउठिना केउठी निया लागुच विशेषकर अनुगुल बनखंड और सिमिलीपाल विभिन्न पॉइंट निया लगिथिबारु अनेक गछपत्र सरीसृप जंतु पोड़ी पाउंश हो गला तेज वन विभाग कही एपर्त नि जंगल रु 93% लिभला आगक लोक सचेतन हेले ही जंगल ले निया लगभग कि लोक मैंने भाव में आप देखु जंगल ले निया लगुच तार आम कहीपर शत प्रतिशत कारण हूँ मनुष्यकृत हूं तो जो प्राकृतिक कारण बहुत कम रही बहुत कम क्षेत्र में प्राकृतिक कारण जंगल निया लगे कि गत वर्ष देखी आप देखते जो भाव में जंगल निया लगी सब जड़ी पड़ी छारखार हो जाता वन्यजंतु मैंने पड़ जाते जहां वर्तमान समय गोटे चिंताजनक विषय कहींपर आग को सचेतन हेले निश्चित भाव में विपद कम सचेतन न विपद आहुरी बढ़ कि जंगल जिते बड़े जलुच्छ विपद से बनांचल वन्यजंतु मैंने रही वन्यजंतु सरीसृप जंतु ये सब देखा कि जड़ी पड़ी पाउस हो गला तो वर्तमान समय देखा कि सिमिलीपाल 65 फायर पॉइंट जो रही जलुच्छ सहित वन विभाग पक्ष कह 93% जंगल निया को आयत करके सचेतन होगा दरकार लोक मान द्वारा ही मनुष्यकृत द्वारा ही जंगल ने निया बढ़ुच्छ जिते बड़े देखा कि जलुच्छ सिमिलीपाल 65 फायर पॉइंट सहित आप देखते पोड़ चाषपाई जंगल को लोक मैंने जिते बड़े पोड़ चाषपाई जंगल को जालुंट निियां स्थान को व्यापुची जिते बड़े जंगल जलुच्छ जंगल आखपाखे जो ग्रामवासी मैंने रही जो गाँ गुड़िक रही से विपद सृष्टि होते बड़े जंगल जलुच्छ वन्यजंतु मैंने पोड़ी पाउस हो जाऊँच जहाँ को लेकिन वन विभाग चिंतार रही आम देखू गत वर्ष जो भाव में देखा मिलता ए वर्ष खरादिन आरंभ विभिन्न स्थान रे जंगल जलुच्छ जहाद्वारा कि प्रदूषण बढ़ुच्छ सहित तापमात्रा बढ़ुच्छ लोकों ऊपर गोटे बड़ प्रभाव देखा मिली प्रतिदिन आप देखते केउटना केउठी निया लगुच विशेष करके आप देखते अनुगुल बनखंड और सिमिलीपाल विभिन्न पॉइंट में निया लगी अनेक गछपत्र पूरा पाउस हो गला सहित सरीसृप जंतु पड़ी पाउस हो गला वन विभाग कही एजाए नि लगी जंगल रु 93% लिभला जलुची जंगल विपदरे बन्यांचल और वन्यजंतु चिंता बढ़ाला वनाग्नि राज्य विभिन्न जिले अनेक जंगल में लगे निया सिमिलीपाल आरंभ कर कोरापुट सह प्राय अनेक स्थान जंगल निया जहाँकि वन विभाग चिंता बढ़ाई अनुगुल जिलार आठमल्लिक वनखंड थंडाटोप रेंज तले पथर जंगल में भयंकर निया लगि एकर एकर जंगल हुहु हो चलुछि बहु सरीसृप और ग्लुमजातीय गछ पोड़ी पाउंश हो जाइछन्ति नियार प्रकोप एत रही आयत करिबा कष्टकर हो पड़िछि जंगल रे निया जोगु वन्यजंतु पाणीपाई गाँ मुहाँ होउथुबारु शिकारी आहुबुड़ पड़ुछन्ति सेहिपरि मयूरभंज जिला सिमिलीपाल भी जंगल जलुछि अभयारण्यर विभिन्न रेंज रे 65 पॉइंट रे लागिछि निया उत्तर सिमिलीपाल 50 एवं दक्षिण सिमिलीपाल 15 पॉइंट रे निया लागिछि निया लागिबा जोगु गछ लता सहित सरीसृप पोड़ी जाउछन्ति निया लिभाबा पई वन विभाग कर्मचारी माने नियोजित होई निया को आयत्त करा जाउछि सेपटे लोके सचेतन हेबा सह जंगल रे निया न लगाइबा को अनुरोध करछन्ति केन्द्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु जंगल में निया लगवा जो वन्यजंतु मैंने हाहाकार होकर ग्रामांचल को जाऊँ ग्रामांचल को पा खोजापी जो जात शिकार शिकारी मैंने वन्यजंतु को शिकार करबर अनेक अच्छी निवेदन करी आग्रह करी आपण मान जरिया जो पहाड़ चारिकटे भितरे भी जो मैंने रोचे निश्चित भाव ये कथा को लक्ष्य करमती मनुष्यकृत भाव जदि निया लगाउथबे सेटा न करिवा भलो वन विभाग सूचना अनुजाई रविवार सुधा राज्यर विभिन्न जंगल रे थिबा 1380 टी फायर पॉइंट रे निया लागिथिला तेबे एथिरु 93% वनाग्नि को आयत कर देथिबा सूचना देछंती पीसीसीएफ वन विभाग आकलन अनुजाई फेब्रुआरी मास आरंभ रु मार्च 5 पर्यंत जेतिक स्थान रे निया लागिछि सेथिमध्यरु 97% अंचल रे निया लिभेबारे पूर्ण सफलता मिलिछि निया को आयत्त करने वन विभाग कर्मचारी जंगल संलग्न अंचल गाँ मान स्वेच्छासेवी महिला 278 अग्नि निरापत्ता स्क्वाड नियोजित रही चारिचकिया गाड़ी व्यवस्था कर लोक सचेतन करने वन सुरक्षा समिति सा
ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରହି କାମ କରାଯାଉଛି ସେପରି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ୍। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁକୁ ନେଇ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ତାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେବେ ରାଉରକେଲା ସହର ନିକଟରେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ଓ ରାଜଗଙ୍ଗପୁରରେ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ କେବଳ ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ସଚିବ। ଆଜି ସକାଳ 9 ରିପୋର୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 93% ଆୟତ କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆକଳନ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ 1 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲାଗିଛି। ଫେବୃଆରୀ 1 ରୁ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏଁ ଯେତିକି ପଏଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି ତାଦେହରୁ ଆମର ରେସ୍ପନ୍ସ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରେସ୍ପନ୍ସ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି 97%। ରାଉରକେଲାରେ ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସେପଟେ ବୀରମିତ୍ରପୁର ସେପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ଆମକୁ ଟିକେ ରାଉରକେଲାରେ ଟିକେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଲେବଲ୍ଟା ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫର୍ମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ବାସ୍ତବରେ 100% ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର କାରଣ ମନୁଷ୍ୟକୃତ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବହୁତ କମ୍। କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ସବୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଉଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିକାରୀ ମହାନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।